अगर आपके पास भी इस तरह से छोटे छोटे केबिल हैं, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से बोर्ड है जहाँ पर आप यहाँ पे चार्ज पे लगा के कोई भी फोन को चार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर मान लीजिए यहाँ पे इसको लगाया, ठीक है, ये मान लीजिए आपका चार्जर हो गया, इसको प्लग किया आपने। प्लग करने के बाद अगर छोटा सा ये आपका केबिल रहेगा जहाँ पे आप अपने किसी भी फोन को चार्ज लगाते हैं, ठीक है, फोन को यहाँ पे चार्ज लगाया इस तरह से, फिर आपको चार्ज लगाने के बाद इस तरह से लटकाना पड़ सकता है। तो इसके लिए एक मस्त सा जुगाड़ आपको जो कि मीशो पे मिल जाएगा, मोबाइल होल्डर, जिसको आप अगर खरीदते हैं तो उसका इतना बढ़िया सुविधा आपको देखने को मिलता है कि आप एकदम हैरान रह जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, एक ब्लैक कलर में, एक रेड कलर में, ये लगभग 60-70 रुपये का मीशो पे आपको पड़ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसको खरीदने के बाद काफ़ी ज़्यादा इसका प्लास्टिक क्वालिटी भी अच्छा मिल जाता है, और इसको बस सीधे यहाँ पे आपको इस तरह से प्लग कर देना है। प्लग करने के बाद करना कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे है, प्लग करने के बाद ये इस तरह से होता है, इसको ऐसे खोल देंगे और खोलने के बाद यहाँ पे इस तरह से मोबाइल रख देंगे, ठीक है। तो इतना ये मजबूत होता है कि एक मोबाइल आपका चार्ज लग जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप पावर बैंक चार्ज करना चाहते हैं तो दूसरे वाला अगर बोर्ड में है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से पावर बैंक या दूसरा मोबाइल या तीसरा मोबाइल आपके पास जो भी इक्विपमेंट है, इस तरह से बस चालू करिए, यहाँ इसको चार्ज लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से चार्ज लग सकता है। और इसका यहाँ पे और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको मन कर रहा है कि इधर उधर हम फोन रख देते हैं गायब हो जाता है, तो यहाँ पे आप आसानी से कम 2-3-4 फोन इस तरह से टांग सकते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी मजबूत है कि जल्दी टूटने वाला नहीं है। आप इसका देख सकते हैं क्वालिटी, इसका डिज़ाइन किस तरह से नीचे का बना हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे पीछे से इस साइड और यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लग टाइप का देखने को मिलता है और यहाँ से ये खुलता और बंद होता है। इसको मैंने मीशो पर 150 में दोनों को ऑर्डर किया था, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका क्वालिटी है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।